तो देखो प्यारे बच्चों, अगर तुम देखोगे इस वाले क्वेश्चन को बेसिकली करोगे, पोजीशन आप पार्टी एक्स वाई प्लेन यहाँ पे दिया हुआ, 3t - 4t² + t³ तो ये कहता है कि एवरेज एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल टू इंटरवल में, मतलब जब टाइम t=2 होगा उस वक्त एक्सलेशन मान लो a1 होगा और टाइम t=4 होगा तो उस एक्सलेशन a2 होगा। तो एवरेज, एवरेज कैसे लेते हैं किसी भी चीज़ का? एवरेज 2 है तो a1 + a2 और 2 से डिवाइड कर दूँ तो एवरेज आ जाएगा। तो ये वाली जो लॉजिक है वो मैं अप्लाई करूँगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अप्लाई करूँगा। तो सबसे पहले एक्सलेशन निकालें, फिर अलग अलग टाइम पे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट दिया तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, dx/dt, एक बार इसका डेरिवेटिव ले लो, तो ये 3 - 12t और ये +3t² और एक्सलेशन ये आ जाएगा dv/dt, इसका एक बार डेरिवेटिव लोगे तो -12 + 6t। तो ये दिस इज द एक्सलेशन इक्वेशन, a = -12 + 6t, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सलेशन। अब हम लोग को एक्सलेशन कब चाहिए? जब हमें एक्सलेशन तब चाहिए जब टाइम की वैल्यू कितनी है, टू एट t = 2 सेकेंड पर एक्सलेशन a1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो -12 + 6 × 2। तो यहाँ से तुम देखोगे, यहाँ से ये 8 रहेगा ना, ये 12 नहीं रहेगा बच्चों, ये जो है ये 8 रहेगा। यहाँ से हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो यहाँ से ये 8 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये वाली जो चीज़ है इसका डेरिवेटिव 4t का डेरिवेटिव 8t होगा, तो 8t ये वाला फिर 8 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे रखोगे तो ये 8 आ जाएगा। तो फाइनली हमें कुछ नहीं करना है, एवरेज एक्सलेशन ले लेना है। तो ये 8 - 8 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -8 + 12, मतलब +4 m/s² एक्सलेशन, a1 की वैल्यू आ गई। और उसी तरह से जब टाइम एट टाइम जब टाइम हुआ होगा टाइम हुआ होगा यहाँ से 4 सेकेंड, उस वक्त जो एक्सलेशन है वो a2 आ जाएगा। तो a2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो देखो यहाँ से, तो a यहाँ पे रखो -8 + 6 × 4, तो यहाँ से आ जाएगा -8 और +16, तो ये आ जाएगा +8, यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर ना यहाँ पे यार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 6 × ये 24 आ जाएगा, 24 तो ये +16 आ जाएगा। तो अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालना तो ऊपर वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो एवरेज एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 + 16 / 2, मतलब 20 / 2, दैट इज 10 m/s² इसका एवरेज एक्सलेशन आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हमारे पास यहाँ पे 4 m, ये जो है 4, ये वेलोसिटी दिया हुआ, बी ऑप्शन सही है।